नमस्कार, स्वागत है LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इंटरनल एग्ज़ाम या मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो क्या होगा, और ये एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सारे सवालों के जवाब, या हो सकता है इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कुछ सवालों के जवाब जो है, जो हमारे मैसेज बॉक्स में भी और हमारे ग्रुप में भी पूछा जा रहा है, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें हमारे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सवाल, इंटरनल एग्ज़ाम क्या है। इंटरनल एग्ज़ाम को अगर आपको समझना है कि इंटरनल एग्ज़ाम है क्या, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूरी है, या फिर जो भी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सारे सवालों का जवाब आपको राजभवन द्वारा जारी किए गए 4 ईयर्स ग्रेजुएशन के लिए, 4 साल ग्रेजुएशन के लिए जो नोटिफिकेशन था उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें से उस नोटिफिकेशन में से हमने कुछ पॉइंट उठाए हैं या कुछ पेज के स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो इस वीडियो में या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानना ज़रूरी है, या फिर आपके सवालों का जवाब जो है वो यहीं पर है, ठीक है। तो ये कोई अपने मन से नहीं कहा जा रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कहा जाएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर कहा जाएगा, और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, या फिर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले PDF में जो कुछ पॉइंट्स है जो ज़रूरी है वो शुरुआत से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे जो 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन है वो कितने सेमेस्टर में ख़त्म होगा, 8 सेमेस्टर, ठीक है। 4 साल में 8 सेमेस्टर, ठीक है, 4 साल में हो गया 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर में आपको क्या किया जाएगा कि एक सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर का 2 पार्ट होगा, ठीक है। हर एक सेमेस्टर जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। एक पार्ट होगा इंटरनल एग्ज़ाम और दूसरा पार्ट होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है। 8 सेमेस्टर होगा 4 साल में, और हर एक सेमेस्टर का 2 पार्ट होगा, हर एक सेमेस्टर जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट जो रहेगा वो इंटरनल एग्ज़ाम का रहेगा, दूसरा पार्ट जो रहेगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम का। अब इंटरनल एग्ज़ाम का मतलब समझिए, ठीक है। इंटरनल लिखा हुआ है मतलब कि आंतरिक परीक्षा है, आंतरिक जो भी है वो कॉलेज में लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कहीं बाहर या कोई सेंटर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो ये सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जिसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहा जाता है, वो आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का है। इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्क्स के है, ठीक है। आपका पेपर जो है वो कितना होता है, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। इस सौ मार्क्स के एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहला इंटरनल एग्ज़ाम जो 30 मार्क का है, और बाद में एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो 70 मार्क का है, ठीक है। तभी आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है 100 मार्क का, ठीक है। ये हो गया, तो पहला हो गया इंटरनल एग्ज़ाम 30 मार्क का, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, वो नीचे लिखा भी हुआ है। और इंटरनल जो है वो 30 मार्क का है, और सारा कुछ जो है वो कॉलेज में किया जाएगा। और एक्सटर्नल जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा 70 मार्क्स का, उन्हीं सारे पेपर के साथ, जो कि आपके कोर्स में जो भी पेपर है उन सारे पेपर्स का एग्ज़ाम इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम का जो कंपोनेंट है, इंटरनल एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए नोटिस में भी बताया गया था कि एक जो है वो मिड सेमेस्टर रिटेन टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि इंटरनल एग्ज़ाम और मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम अलग अलग है या फिर एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए, मिड सेमेस्टर का मतलब क्या है, मिड सेमेस्टर, ठीक है। तो सेमेस्टर का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो है मिड मतलब मिडिल सेमेस्टर मतलब कि सेमेस्टर के बीच में एग्ज़ाम लिया जाएगा, सेमेस्टर के जो फाइनल एग्ज़ाम है उससे पहले का एग्ज़ाम है ये, ठीक है। सेमेस्टर एक सेमेस्टर के लिए जो आपको 6th मंथ मिलता है, उस 6th मंथ से मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर को ख़त्म करने के लिए जो फाइनल होगा
उस एग्ज़ाम से पहले लिया जाने वाला एग्ज़ाम है ये, और वे ये एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज के तरफ से लिया जाएगा, मतलब कि ये ऑर्डर यूनिवर्सिटी का ही रहेगा, लेकिन ये कॉलेज में ही सब कुछ किया जाएगा। इसका मार्क भी जो है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ही दिया जाएगा, और वो डायरेक्ट मार्क वो अपलोड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, और उस मार्क को जो है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट आप लोग समझ गए होंगे। एक मिड सेमेस्टर रिटेन टेस्ट होगा, मतलब कि इंटरनल एग्ज़ाम में एक रिटेन टेस्ट होगा 15 मार्क का। ठीक है, फिर सेमिनार या क्विज या असाइनमेंट प्रेजेंटेशन कुछ भी होगा 10 मार्क का। उसके बाद आपका अटेंडेंस और बिहेवियर जो भी है ये आपके टीचर के हाथ में है। ठीक है, आपका अटेंडेंस के ऊपर 5 मार्क जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग अटेंडेंस का भी ध्यान रखिएगा। और कोई भी हो, अगर आप लोग कभी कॉलेज ही नहीं जाते हैं तो आप कभी इस एग्ज़ाम को पास कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कभी कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो पेंडिंग ही रहेगा। हो सकता है कि आपको जो है उस फाइनल एग्ज़ाम में बैठने भी ना दिया जाए, आपको फॉर्म भी भरना ना दिया जाए, क्योंकि ये साफ साफ यूनिवर्सिटी के द्वारा या जो राजभवन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस इंटरनल एग्ज़ाम को पास नहीं करेगा वो जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम, मतलब ये सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेगा, उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी बता दिया गया है पिछले वीडियो वाला में, तो आप उसको देख लीजिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया गया है। और अब देखिए कि ये जो CIA कंपोनेंट है, ठीक है, CIA कंपोनेंट है एग्ज़ाम का, वो क्या है, डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और मार्क जो भी है, जो मार्क जो रेस्पॉन्स मार्क जो भी अपलोड किया जाएगा या फिर जो भी मार्क आपको इस एग्ज़ाम में इंटरनल एग्ज़ाम में दिया जाएगा, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, आपके सब्जेक्ट डिपार्टमेंट का। आपका जितना भी किया जाएगा इंटरनल एग्ज़ाम में वो सारा चीज़ किस पे है, डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, आपके सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। ओनली द एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम शैल बी कंडक्टेड बाई द यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जो फाइनल एग्ज़ाम है सेमेस्टर का, हर सेमेस्टर का, ठीक है, ऑल सेमेस्टर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स इन ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर, मतलब कि 8ों सेमेस्टर में। ठीक है, 4 साल में 8 सेमेस्टर है, मतलब कि 8ों सेमेस्टर में ये 2 पार्ट में आपका कम्प्लीट होगा, मतलब 8 × 2 = 16, 16 बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एक हर एक सेमेस्टर से पहले इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये हो गया जो, तो यहाँ पे जो लिखा गया वो क्या है कि ओनली द एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, मतलब कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सिटी के तरफ से लिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि पैटर्न जो है वो आप लोगों को सिलेबस में भी मिल जाएगा। आप लोगों ने सिलेबस अगर अच्छा से डाउनलोड, मतलब पढ़ा होगा डाउनलोड करके, तो वहाँ पे लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट का सेमेस्टर का सिलेबस जो है आप अपने से डाउनलोड करके उसको पढ़िए एक बार, उसमें हर चीज़ का डिटेल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है वो सारा चीज़ वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। ठीक है, ये एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, जैसे कि होता है आप लोगों ने दिया हुआ है ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो पहले होता है, या फिर आप लोगों ने पहले भी जो एग्ज़ाम दिया हुआ है वो 3 घंटे का ही होता है। तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और जो कॉलेज में होगा रिटेन टेस्ट वो 1 घंटे का लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि दोज हु हैव क्लियर द CIA, ठीक है, मतलब कि आपने इंटरनल एग्ज़ाम पास किया है एंड अटेंडेंट द रिक्वायर मिनिमम परसेंटेज, मतलब कि आपका अटेंडेंस का जो है 75% क्या है, 75% क्या है, अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आपको जो है वो ESE एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में अगर आपको देना है तो आपको क्या करना होगा कि CIA इंटरनल एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो भी आप कह लीजिए, वो क्या है, आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, 75% अटेंडेंस, और ये जो अटेंडेंस होगा वो किसके ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर है आपके, सब्जेक्ट डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट का अलग अलग अटेंडेंस भी हो सकता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का हो सकता है कि आप अलग अलग में, किसी में 75% अटेंडेंस है, किसी में नहीं है, तो वो सारा चीज़ जो है वो क्या है, आपके कॉलेज के ऊपर है, वो आपका कॉलेज मैनेज करेगा। ठीक है, तो अगर आप
यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो दोज हु हैव नॉट अटेंडेंट द रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, कितना 75%, अगर अटेंडेंस नहीं है 75% एंड नॉट क्लियर द CIE, ठीक है, और क्या है कि इंटरनल एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है, पास नहीं किया है, शैल इन नो केस बी परमिटेड टू अपीयर इन द एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, किसी भी हालत में जो है उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने का परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा जब तक आपने इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो अब जो है वो ये हो गया एग्ज़ाम से पहले का, अब एग्ज़ाम से बाद का तो अब एग्ज़ाम देने के बाद का जो रिज़ल्ट आता है वो आपका कैसा आता है, या तो पास आता है या तो प्रमोटेड आता है, ठीक है। तो आपने सारा एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप पास किए जाएंगे, ठीक है, अच्छे नंबर है तो नंबर के हिसाब से अभी बात नहीं करेंगे, बस अभी पास और प्रमोटेड के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीका से रिज़ल्ट आता है, एक पास और एक प्रमोटेड रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। पास है तो पास रहेगा, वो तो है जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रमोटेड में क्या है कि अगर आपको एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाना है तो पहले की तरह ही अगर पार्ट वन से पार्ट टू में जाना था तो आपको पार्ट वन क्या होना था, प्रेजेंट होना होता था, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, आपको सारे कोर्स अटेंड करना है, ठीक है, और सेमेस्टर वन का जो है क्या करना है, CIE आपको देना है, मतलब कि आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका बैकलॉग पेपर है, ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड है या कोई भी पेपर आपका छूट गया है, फेल है या किसी कारण से एब्सेंट है, ठीक है, जो भी आपका बैकलॉग पेपर है या फिर बैकलॉग कोर्स है वो क्या है कि एन सेमेस्टर एग्ज़ाम में उस सेमेस्टर का जब भी हो, ठीक है, मतलब कि अगर आप सेमेस्टर वन के इंटरनल एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर एक से दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट जाता है तो आपको अगले सेमेस्टर में जब भी उस सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम हो अगले सेशन के साथ या फिर उस सेमेस्टर वन का इंटरनल एग्ज़ाम जब भी हो तभी आपको उस कोर्स को उस पेपर को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका एंड सेमेस्टर या तो फाइनल रिजल्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा, विल बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर सी या ही जो भी है हैज़ क्लियर ऑल द 160 क्रेडिट एंड 3 मोर एकेडमिक ईयर्स कैन बी गिवन टू ऑल 60 क्रेडिट्स, ठीक है, 160 क्रेडिट्स से, मतलब कि आपको क्या है कि सारा का सारा पेपर जो है आपको देना ही पड़ेगा, आपका रिजल्ट अगर आपको क्लियर चाहिए या फिर आपका फाइनल रिजल्ट पास चाहिए तो आपको क्या है सारा का सारा पेपर, सारा का सारा एग्ज़ाम जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जो ये जो अवार्ड आपको दिया जाएगा, जो कैंडिडेट द प्रमोटेड कैंडिडेट या कैंडिडेट्स विल नॉट बी अवार्ड एनी SGPA CGPA टिल ही या सी क्लियर्स ऑल द बैकलॉग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्कशीट होगा, ठीक है, ये जो मार्कशीट आपका जारी किया जाएगा तो इस मार्कशीट में आपको जो CGPA या परसेंटेज या फिर जो भी कह लीजिए आप, वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आपने सारा एग्ज़ाम, सारा पेपर का एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने MJC का एग्ज़ाम दिया और MIC यानी माइनर का एग्ज़ाम नहीं दिया, इंटरनल में हो या एक्सटर्नल में, ठीक है, दोनों का बात चल रहा, तो अगर दोनों पेपर में से किसी एक पेपर का भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पेंडिंग ही रहेगा, आपको जो CGPA रहेगा वो CGPA या फिर परसेंटेज जो लिखा रहता है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको क्या करना है, मतलब कि सारा पेपर क्लियर रहेगा तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे और लास्ट में वही चीज़ लिखा हुआ है, या फिर ए प्रमोटेड कैंडिडेट ही सी फेल्स इन ESC, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब, यहाँ पे जो ये जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें फेल हो जाते हैं और माइनर या फिर जो इंटरनल एग्ज़ाम रहेगा उस इंटरनल एग्ज़ाम में अगर पास है, जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर आप पास है और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फेल है तो ये जो पास हुआ वाला एग्ज़ाम है, ये जो आपका पास हुआ वाला एग्ज़ाम है वो ऐसा ही रहेगा, ये आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ यही एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जो इंटरनल एग्ज़ाम में आप पास है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बाई चांस फेल हो गए या फिर प्रमोटेड हो गए, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको सिर्फ यही एक्सटर्नल एग्ज़ाम
अगले सेमेस्टर में अगले सेशन के साथ देना पड़ेगा। इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क वैसा ही रहेगा जैसे आपको मिला है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा, इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो फेल हो गए और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो क्या है, आप पास हो गए, तो आपको जो पेपर, जिस भी पेपर में प्रमोटेड किया गया है या फिर जो भी पेपर में आप एबसेंट है या किसी वजह से वो पेपर खाली है, उसमें पास नहीं है, वो पेपर क्लियर नहीं है, तो उसी पेपर को आपको सिर्फ क्लियर करना है प्रमोटेड के केस में। फेल के केस में तो आपको एग्ज़ाम फिर से सारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब से या फिर आप जो भी यहाँ पे देख रहे होंगे वो सारा चीज़ क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर है जो कि आप इंटरनल एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हैं या फिर आपके मन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो सारा सवालों का जवाब है आपका इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सारा सवालों का जवाब जो है आपको मिल गया होगा, या फिर अगर कुछ रह गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, या फिर आप ट्विटर पे भी टैग करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो सारा क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था उनमें जो मेन क्वेश्चन है इंटरनल एग्ज़ाम क्या है, इसका आइडिया जो है आपको लग गया होगा, और इसका कितना इम्पोर्टेंस है, ये एग्ज़ाम देना कितना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम देकर इसमें पास होना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। या फिर इंटरनल एग्ज़ाम और मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम और मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम दोनों को एक ही समझिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटरनल एग्ज़ाम का एक कंपोनेंट, मतलब कि एक पार्ट समझिए मिड सेमेस्टर का रिटेन टेस्ट, ठीक है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम एक्सटर्नल इंटरनल एग्ज़ाम एक ही है, ठीक है। नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये जो है वो कॉलेज में लिया जाता है और ये मिड सेमेस्टर है, मतलब कि सेमेस्टर के बीच में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, इसलिए मिड सेमेस्टर, ठीक है। तो अब क्या है कि जो कुछ सवाल था, जैसे इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या, इस एग्ज़ाम का नंबर फाइनल में जुड़ेगा क्या, ठीक है, इसको छोटे छोटे में समझते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इंटरनल एग्ज़ाम का नंबर फाइनल में जुड़ेगा क्या? जी हाँ, फाइनल रिजल्ट में आपको इस नंबर का जोड़ देखने को मिलेगा, मतलब कि बिना इस एग्ज़ाम को पास किए इस नंबर को ऐड किए फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम आपने देखा कि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है, अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम का जो फॉर्म होगा या फिर आपको फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो क्या करेगा, बैठने नहीं दिया जा सकता, ठीक है। वो आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी वो आपको एब्सेंट करवा सकते हैं या फिर आपको वो परमिशन ही नहीं देंगे कि आप ये फाइनल एग्ज़ाम में बैठें, ठीक है। उसके बाद इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, ठीक है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस वही है जो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम का सिलेबस है, मतलब कि आपका जो भी सिलेबस जारी किया गया है सिलेबस वही है, बस उस सिलेबस तो ये जो कितना बार एग्ज़ाम होगा और कितना बार इस एग्ज़ाम को देना है, कितना बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हर बार देना ज़रूरी है क्या, तो सारे सवालों का जवाब यही है कि हाँ। कितना बार एग्ज़ाम होगा, तो ऑल सेमेस्टर में, सारे सेमेस्टर में जितना सेमेस्टर होगा, टोटल 8 सेमेस्टर, 4 साल का कोर्स है, टोटल आठ सेमेस्टर में ये इंटरनल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, मतलब कि 8 बार ये इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 8 बार उसका फाइनल एग्ज़ाम, 16 टोटल एग्ज़ाम, ठीक है। और असाइनमेंट वगैरह ये आपके सारे चीज़ जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम के अंदर ही आ जाता है। और हाँ, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जब होगा उसमें भी आपको क्या हो सकता है कि असाइनमेंट वगैरह, सेमिनार वगैरह करवाया जा सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या है, कंपोनेंट इंटरनल एग्ज़ाम का बताया जा रहा है, और सेम चीज़ जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी लागू होता है, ठीक है। हर बार ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? हाँ, देना ज़रूरी है। एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट प्रमोटेड रहेगा, आपको परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, आपको CGPA आपके मार्कशीट में लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हो सकता है कुछ सवाल रह गया हो या फिर आपको कोई सवाल पूछना हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे
सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एट द रेट, ठीक है, एट द रेट LNMUNOTES गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या फेसबुक पे, या किसी चीज़ पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, किसी भी चीज़ पे ये चीज़ सर्च कीजिएगा, हमारा आपको अकाउंट दिख जाएगा। उस अकाउंट पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद अब इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी है, मतलब कि ये एग्ज़ाम देना और इस एग्ज़ाम को भी अच्छे से नंबर से पास करना कितना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट। और ये एग्ज़ाम का तैयारी भी आप उसी तरीका से करेंगे जिस तरीका से आप फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोटिफिकेशन पूरा जो राजभवन के द्वारा जारी किया गया है, इसका पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो इंग्लिश समझने में, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो भी लिखा हुआ है, ये लाइन जो भी लिखा हुआ है, इस लाइन को आप सारा का सारा कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट सर्च कीजिएगा, वेबसाइट खुलेगा, उस वेबसाइट में क्या कीजिएगा, एक तरफ इंग्लिश और दूसरे तरफ हिंदी ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। तो इंग्लिश के जगह पे आप लोग ये चीज़ जो है वो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस साइड में आपको क्या हो जाएगा, हिंदी ट्रांसलेशन दिख जाएगा। तो ये नोटिस का जो भी पॉइंट मेन है, ठीक है, वो चीज़ क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो क्या है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सवाल है आपका, ये सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। और अगर कोई आपका कोई सवाल है तो उस सवाल पे भी वीडियो बनाया जाएगा, तो फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई सवाल है तो, नहीं है तो, अगर सब चीज़ क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, और आप लोग अपने इस एग्ज़ाम को पास करने पर, मतलब अच्छे नंबर से पास करने पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए एग्ज़ाम चल रहा है, उस पर फोकस कीजिए।